मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और आज भी ये कहना चाहता हूँ कि आज इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उस पाक और पवित्र कलाम से होगा, और आज ये कहना चाहता हूँ कि इस महफिल का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादत से नहीं होगा, अरे रामायण और गीता की इबादत से नहीं होगा, तुलसीदास कबीरदास गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौन से होगा, और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन दुनिया की लाजवाब नेमतों से नवाजा। अरे जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या यूरोपियन मौरखीन, अंग्रेज मौरखीन, हिंदू मौरखीन, ईसाई मौरखीन हैरान और शस्तर है, जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तखलीकात को झुंझोर कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीखियों को मनवर कर देती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजर हजर भी झोंकने लगते हैं, अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों यही वो मुकद्दस कलाम जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने न जाने कैसी नापाक साजिश रचाई, कभी उलमाए कराम को सूली पे चढ़ाया गया, हुफ्फाज़े कराम को तौर का निशाना बनाया गया, यही नहीं मेरे दोस्तों कहीं 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए तो कभी मदरसा मदारिस अरबी मदारिस अरबी या इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया। लेकिन मेरे दोस्तों कुरान करीम के वजूद को मिटाना तो दूर की बात, एक सब्र और ज़ेर के अंदर आज तक तब्दीलियां नहीं आई। एक शेर को अपने हाफ़िज़े में महफूज रखिएगा और प्रोग्राम का आगाज यही से हो जाएगा। किसी शायर दोस्त ने कहा था कि दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, ये मेहराम हर आरिश के सीनों पे लिखा है, अरे सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। आइए मेरे दोस्तों इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत दासादत के लिए मेरी नजर इंतखाबे सायर निशान कारी सलहान कारी इकराम साहब पर जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ कारी साहब का इस्तकबाल है कि ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाना सरकार हो जाए, बोलिए सुभान अल्लाह, ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाना सरकार हो जाए, मगर ऐसा कि आप आए तो फिर होशियार हो जाए, अरे नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا Thank you.
فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم الحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.